मैं प्रतीक्षा आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल डिब्बो की रसोई में। तो आज फ्रेंड्स हम आप लोगों के लिए फिर से कुछ नई रेसिपी लाए हैं, तो आइए वीडियो के साथ बिल्कुल बने रहिएगा। तो आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम आप लोगों के साथ देखिए कटहल की सब्जी की रेसिपी आज आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो इसके पहले भी हमने कटहल की रेसिपी दी है फ्रेंड्स, लेकिन आज हम दूसरे तरीके से कटहल के बनाएंगे सब्जी। तो देखिए यहाँ पे हमने कटहल को जो है छोटे छोटे पीसेस में काट लिए हैं। अब हम आगे की तैयारी आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ पे हमने गैस ऑन करके कुकर चढ़ा दिया है गर्म होने के लिए, और ये हमने प्याज को काटा हुआ है। तो प्याज देखिए यहाँ पे थोड़ा सा अधिक चाहिए, तो प्याज हम कम से कम 4 से 5 काट लिए हैं। कटहल हमारा 500 ग्राम है, उस हिसाब से हम प्याज भी लिए हैं, तो लगभग मान लीजिए कि प्याज भी 500 ग्राम ही होगा। तो सबसे पहले जब हमारा कुकर गर्म हो जाता है उसमें हम डाल देते हैं तेल। तो तेल यहाँ पर फ्रेंड्स हम सरसों का डाल रहे हैं। आप जो भी तेल खाते होंगे, जो पसंद होगा तेल, उसमें आप सब्जी बना सकते हैं। तो हम सरसों के तेल में बना रहे हैं सब्जी। तो तेल यहाँ पे हम डाल दिए हैं, तेल हमारा गर्म हो जाए। तो तेल हमारा गर्म हो गया फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम इसमें मसाले डालेंगे। तो मसाले हम आपको दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पे हमने ये तेज़पत्ता लिया है, तेज़पत्ते को हम 3 से 4 मान के चलिए लिए हुए हैं, और 1 बड़ा चम्मच जो है काली मिर्च ले लिए हैं, 1 बड़ा चम्मच जीरा लिए हैं खड़ा जीरा, 4 से 5 हम खड़ा लौंग ले लिए हैं। देखिए ये लौंग लिए हैं, मिर्चा लिए हैं, हम लाल मिर्च का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम 6 से 7 लाल मिर्च लिए हैं, और बड़ी इलायची लिए हैं 4, और यहाँ पे थोड़ा सा ये गर्म मसाला ले लिए हैं, और यहाँ पे 1 टुकड़ा हम जायफल का लिए हैं। तो बस इतना मसाला। अगर आप स्पाइसी कम खाना पसंद करते होंगे फ्रेंड्स, तो थोड़ा सा मिर्च को कम भी कर सकती हैं। तो यहाँ पे हमने यही मसाला लिया हुआ है। तो तेल हमारा गर्म हो गया है, सबसे पहले हम तेज पत्ते को डाल देते हैं, और अब जो ये मसाले हम निकाले हुए हैं इसको डाल देंगे। तो मसाले को भी डाल दिया फ्रेंड्स, और मसाला चटकने लगा है, तो इसी समय हमें प्याज भी डाल देना है। तो प्याज को डालने के बाद हम इसे मिला लेंगे। प्याज को हमें हल्का सुनहरा कर लेना है। फ्रेंड्स प्याज को हम चला देते हैं। प्याज हमारा देखिए हल्का सा जो है रेड कलर में हो गया है। तो इसी के साथ हमें कटहल डाल देना है, जो कटहल हम काट के रखे हुए हैं इसे भी डाल देते हैं। कटहल को डाल के इसे हम 2 से 3 मिनट तक भूनेंगे अच्छे से। हमारा जो सब्जी का बहुत ही अच्छा आएगा, तो इसे हम 2 से 3 मिनट तक भून लेंगे। तो कटहल को भूनते हैं, देखिए 2 से 3 मिनट हो गया है, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं, तो ये हमने लिया हुआ है चने का दाल। चने के दाल को हम भिगो दिए थे देखिए, तो आज हम कटहल में डाल के चने का दाल डाल के बना रहे हैं। तो ये फूल गया है, 2 से 3 घंटे में फूल जाता है आराम से। तो ये चने का दाल मेरा 250 ग्राम है करीब करीब, तो इसका हम पानी पहले गिरा लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने चने के दाल को धो लिया है, अच्छे से साफ कर लिए हैं। अब इसी कटहल में हमें ये डाल देना है चने का दाल। आप लोग मैंने सब्जी बहुत बार खाए होंगे कटहल का, लेकिन एक बार आप लोग इस रेसिपी से बना के देखिएगा, मेरी इस रेसिपी से बहुत ही टेस्टी ये सब्जी बन के रेडी होता है। बस इसे हमें डाल के भून लेना है। तो इसे हम चला लेंगे 2 से 3 मिनट तक। देखिए बहुत ही टेस्टी ये सब्जी रेडी होगा बनके। और ये हम ले लिए हैं अदरक लहसुन का पेस्ट, तो यहाँ पे हमने अदरक लहसुन का पेस्ट पीस लिया है, इसे भी हमें इसी समय डाल देना है। तो अदरक लहसुन का पेस्ट भी हम डाल दिए हैं। अब इसमें हम डाल रहे हैं 1 चम्मच हल्दी पाउडर। तो यहाँ पे हम 1 चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे और नमक डाल देंगे। तो नमक अपने
स्वाद अनुसार डाली है फ्रेंड्स। आप ज़्यादा अपनी क्वांटिटी के हिसाब से डाल सकते हैं, ज़्यादा या कम कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम स्वाद अनुसार नमक डाल देते हैं और अब हमें इसे भूनना है। तो हम 2 से 3 मिनट तक तो कम से कम भूनेंगे ही, जितना अच्छा भूनेंगे फ्रेंड्स उतना ही अच्छी ये सब्जी बनकर तैयार होता है। तो फ्रेंड्स आप लोग वीडियो को बिल्कुल फुल वॉच किया करिए, तभी मेरी रेसिपी आप लोग को समझ में आया करेगा। आप लोग वीडियो को प्लीज़, मेरा सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को स्किप नहीं किया करिए, वीडियो को फुल वॉच किया करिए। बस गैस का फ्लेम थोड़ा सा हम लो रखेंगे, इसका ढक्कन जो है ऐसे बस अभी लगाएंगे नहीं, बस इसके ऊपर रख देंगे ताकि इसका खुशबू निकलने नहीं पाएगा और बहुत ही अच्छी सब्जी बन के रेडी होगी। बीच बीच में खोल कर हम इसे चलाते रहेंगे। तो फ्रेंड्स सब्जी को भूनते हमें करीब करीब 7 से 8 मिनट हो गया है। देखिए हम आपको दिखा सकते हैं बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है यकीन के साथ मानिए। और जब आप बनाएंगे तो आप खुद बोलेंगे कि सब्जी बहुत अच्छी बनी है। तो बस ये देखिए मसाला भून के बिल्कुल रेडी हो गया है। अब इसमें हम पानी ऐड कर देंगे फ्रेंड्स, जितना आप ग्रेवी रखना चाहती हैं। अगर पतला रखना चाहती हैं तो थोड़ा अधिक पानी डालिएगा, गाढ़ा रखना चाहती हैं तो थोड़ा सा पानी कम कर दीजिएगा। बहुत आसान है फ्रेंड्स सब्जी बनाने में, लेकिन इसकी बहुत ही टेस्टी बहुत अच्छी सब्जी बन के रेडी होती है। आप लोग एक बार ज़रूर बनाइएगा मेरे कहने से। चने की दाल में कटहल की दाल के बहुत टेस्टी ये बनता है। तो बस ये देखिए हमने पानी डाल दिया है और हम थोड़ा सा पानी और डाल दे रहे हैं क्योंकि ये पकेगा फ्रेंड्स, इसलिए हमने थोड़ा सा पानी और डाला हुआ है। और अब हमें क्या करना है कि कुकर का ढक्कन जो है हम लगा के बंद कर देंगे और 2 से 3 सीटी जब आएगा फिर हम खोल कर एक बार चेक कर लेंगे। तो ढक्कन हम लगा देते हैं। फ्रेंड्स आप सभी लोगों से मेरा एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ प्लीज़ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर मेरी रेसिपी आप लोगों को पसंद आती है तो लाइक और कमेंट करके बताना बिल्कुल भी नहीं भूला करिए कि आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगी। आप लोगों का एक लाइक हमारा बहुत मनोबल बढ़ाता है फ्रेंड्स। तो बस इसे हम ऐसे ही रख देंगे, 2 से 3 सीटी आने का इंतज़ार करते हैं, फिर सब्जी खोल कर आपको दिखाते हैं कैसी बनी है हमारी सब्जी। तो देखिए फ्रेंड्स सब्जी बन के बिल्कुल रेडी है। तो आप देख सकते हैं कि कितना बहुत ही टेस्टी लग रहा है ना सब्जी देखने से। तो आप लोग कटहल की सब्जी तो बहुत बार बनाए होंगे फ्रेंड्स, कोफ्ते खाए होंगे कटहल के, लेकिन एक बार आप लोग मेरे इस रेसिपी से कटहल चने की सब्जी बना के देखिएगा, बहुत ही टेस्टी ये सब्जी रेडी होगा। तो प्लीज़ अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो फ्रेंड्स तो लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरी ये सब्जी रेसिपी कैसी लगी। फ्रेंड्स अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट करिएगा और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूं तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन जाए और आप मेरी वीडियो को देख सकें। तो कल फिर आप लोगों से मिलेंगे कुछ नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।